बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि मैं 3-4 दिन से अपने घर गया हुआ था एंड वहां पर मैं फोन के रिकॉर्डिंग के थ्रू ही कैमरा के थ्रू ही रिकॉर्ड करके बता रहा था, बट उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था बिकॉज मतलब 10,000-8,000 लोग आराम से उसको वॉच कर पा रहे थे बिकॉज 3-4 मिनट की ही वीडियो थी। बट बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर चार्ट्स जैसे आप एक्सप्लेन करते थे उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करो और ज्यादा लंबा ना खींचे, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, मैं चार्ट्स अब ड्रॉ नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रखा है। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से बताऊंगा कि कौन से चार्ट्स हम लोग बाय करने वाले, कौन से स्टॉक्स बेटर है। प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बिकॉज आज भी मैंने इंट्राडे में 2 स्टॉक्स दिए थे, दोनों के टारगेट अच्छे तरीके से हिट करे थे, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिस ना हो तो पहले जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दूसरी चीज जो आप लोगों को याद रखनी है तभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कोई भी स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ यूट्यूब के अंदर, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि अभी मार्केट क्लोज है, हमें नहीं पता कल मार्केट गैप अप खुल सकती है, वो स्टॉक का टारगेट गैप अप में खुल जाए या फिर नीचे खुले हल्के हल्के ऊपर जाए। तो आप लोगों को इतनी बात समझनी पड़ेगी कि जो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टॉक्स बता रहा हूँ उसके टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे मार्केट में लगती है कि हाँ यार ये वाला स्टॉक शायद ऊपर नहीं जा पाएगा तो उस पर मैं बता दिया करूंगा कि आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना। जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक मैंने बता दिया उसी पर ट्रेड ले लेना है, आपने एंट्री लेवल देखी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, तो टेलीग्राम स्ट्रिक्टली ज्वाइन कर लेना बिकॉज वहां पर आप लोगों को लाइव मार्केट पे अपडेट्स मैं देते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चार्ट सेटअप पे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है मारुति। मारुति पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये ऑरेंज कलर की लाइन मैंने यहाँ पर सपोर्ट्स को टेस्ट करते हुए ड्रॉ करी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पर्पल कलर की लाइन है जो कि सारे रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है एंड ब्लैक कलर की लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम करते हैं, स्टॉक का नाम मारुति है याद रखिएगा, या फिर यहाँ पर आप ऊपर क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा मैंने एक पर्पल कलर का एक जोन और क्रिएट करा हुआ है जो कि एक सप्लाई जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आया, रीटेस्ट करे, यहाँ से एक शार्प फॉल आई, सेकेंड टाइम रीटेस्ट करा, इट गेव अ गुड फॉल, दोबारा एक फॉल आई, बट आप देख रहे हैं फॉल जो थी वो छोटी हो गई। इसके अलावा ये दोबारा इस लेवल पे रीटेस्ट करा, हल्का सा फॉल करा एंड अब दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रही है कि ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, ये ब्रेक होने के चांसेस इसके सबसे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो इसका लेवल निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 77.40 रुपीज का, करंट प्राइस 76.57 रुपीज का। तो यानी कि अभी भी करंट लेवल से भी ये 70 पॉइंट्स ऊपर है, ब्रेकआउट 70 पॉइंट्स ऊपर है, बट मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है तो हम लोग करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। अभी करंट लेवल है 76.57, हम लोग 76.70 के ऊपर बाय करेंगे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तब बाय कर लेंगे। एंड इसके टारगेट्स हम लोग 77.40 रखते हैं पहला टारगेट, और उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग पहले टारगेट पे कुछ क्वांटिटीज एग्जिट कर लेंगे कि बाय चांस वहां से दोबारा नीचे ना जाए, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम लोग जो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटीज होगी उसके साथ होल्ड कर रखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। ये देख रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि 8100 के आसपास आ रहा है, बट अभी हमें ज्यादा दूरी के लिए पूरे स्टॉक्स को होल्ड करके रखना नहीं है, कुछ कुछ क्वांटिटी हम लोग एग्जिट करते रहेंगे क्योंकि मार्केट अब थोड़ी बहुत वोलेटाइल होना स्टार्ट हो गई है, ओके। तो स्टॉक का नाम था मारुति, अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर आप यूएस स्टॉक्स और बिटकॉइन और फॉरेक्स या कमोडिटीज सब पे ट्रेड कर सकते हैं। सो इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट ऑप्शन। यहां पर आप लोग 100+ एसेट क्लास पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, स्टॉक्स लाइक अमेज़न, टेस्ला, सारी कंपनीज में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स, कमोडिटीज, सिल्वर, गोल्ड सबके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिट और विड्रॉवल का जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा ही सिंपल है एंड 0% चार्जेस जाते हैं अगर आप विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को $1 से आप मिनिमम $1 के इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इनका एक खुद का प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर ये लोग सोशल ट्रेडिंग के थ्रू आप लोग पैसा भी अर्न कर सकते हैं। सोशल ट्रेडिंग में होता यह है कि वहाँ पर आप लोगों को वेरियस अदर ट्रेडर्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हो उनके रिकमेंडेशन के थ्रू एंड वहाँ पर आप प्रॉफिट भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्लस वर्चुअल करेंसी $10,000 भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट अपनी रियल करेंसी के साथ भी कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, गो एंड चेक दिस आउट। हमारा दूसरा स्टॉक है शॉपर स्टॉक। शॉपर स्टॉक पे आप क्लियरली देख सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन जो इंडिकेट कर रही है जो कि सारे सपोर्ट्स को कनेक्ट कर रही है, पर्पल कलर ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही है।
अब हुआ क्या, इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट, रीटेस्ट आया और अब दोबारा ऊपर जा रहा है। अब दोबारा ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमारे लिए एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, बिकॉज यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस का काम करते थे अब वो उसके लिए सपोर्ट बन चुका है। बट ये सपोर्ट का कन्फर्मेशन अभी आया नहीं है, हो सकता है ये दोबारा यहाँ से नीचे चले जाए। तो हमें कहाँ पर एंट्री लेवल लेनी है वो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जब मैंने ओपन करा तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो कि रेजिस्टेंस से बनती भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का इसने आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट दिया, इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये पर्पल कलर का जोन देख रहे होंगे, इस जोन पे ये रेंज के अंदर काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ से बहुत बढ़िया इंपल्स मूवमेंट आई, एक बहुत बढ़िया अपमूव आई, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, ये रीटेस्ट का कन्फर्मेशन भी आ जाएगा, और इसके अलावा जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है उसका भी कन्फर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो हमें बाय करना है अबव 281.50 पैसा के ऊपर, और हम लोगों को अच्छे टारगेट्स तब देखने को मिल सकते हैं। टारगेट्स में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 49 रुपीज पे सजेस्ट करा हुआ था, एंड अभी इसका हाई चल रहा है, अभी करंट प्राइस चल रहा है 51 रुपीज का। तो 2 रुपए और 2 रुपए परसेंटेज वाइज में बहुत ज्यादा होते हैं, और अभी भी हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है इसके अंदर। क्या मुझे लग रहा है ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रही थी, ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये एक सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रही थी। अब ये देख सकते हैं इसने इस रेंज का, पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल पे आप देख रहे हैं इसने ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पे हम लोगों ने बाय सजेस्ट करा था। आप लोगों को देख रहे हैं इस ब्रेकआउट पे हम लोगों ने बाय करा था। अब आप देख रहे होंगे ये शार्प जो बड़ी मूवमेंट आई थी ना, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ये शार्प जो बड़ी मूवमेंट आई थी इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे ये देख रहे हैं रेंज के अंदर काम करा। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्लू कलर का जोन देख रहे होंगे, ये ब्लू कलर का जोन एक रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहा है। देखिए हर ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना, हमें समझना होगा कि कौन सा ब्रेकआउट के ऊपर जो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर वो निकल जाता है, अगर वो एक लेवल निकल जाता है कॉशियस लेवल, तो वहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दे चुका है, बट यहाँ पर भी अब दोबारा एक बात आती है, यहाँ पर ये बात आती है सर ब्रेकआउट तो यहाँ पर भी ऊपर गया था बट अगले दिन ये शार्प फॉल आ गई थी और एक डाउन ट्रेंड आ गया था। तो क्या ये वाली कैंडल ने भी इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, क्या ऐसा वाला जो सिनेरियो पास्ट में हुआ था क्या ये दोबारा हो सकता है? यस डेफिनेटली हो सकता है। तो हमें करना क्या है, हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पर मैंने एक जोन बना दिया, जैसे इस जोन के ऊपर जाएगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का टारगेट मुझे लगता है 57 रुपीज का, 49 पे हमारी ऑलरेडी बाइंग है। अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं करा 49 पे तो कोई भी डिप मिलती है स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक, मुझे लगता है बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये कुछ स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताए थे 20-25% का रिटर्न ऑलरेडी दे रही है। यूनियन बैंक तो आज कुछ भी 10% भागा था। तो इंस्टाग्राम पे मैं वहां पर अपडेट करते रहता हूँ, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप जाके देखेंगे मेरी प्रीवियस चार्ट्स को, तो मैंने अभी पिछले हफ्ते ही डाला हुआ, तो प्लीज जाके चेक करिए अपना लॉस। जो प्रॉफिट्स आप कमा सकते हो हमारे रिकमेंडेशन के थ्रू उनको कमाओ, और जो जो लॉसेज आप अपने थ्रू कर रहे हो उनको थोड़ा मिनिमाइज करो, समझो कि मैं कैसे ट्रेड दे रहा हूँ, ओके? अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ओपन इंटरेस्ट के डाटा की और FII। तो निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया, क्लियरली आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि अप ट्रेंड के अंदर है। तो मैंने 3-4 दिन पहले जब मैं कैमरा के थ्रू, अपने फोन के कैमरा के थ्रू आपको बता रहा था, तो मैंने आपको कहा था ये अभी 17,950 के आसपास चल रहा है, आप लोग बाय कर सकते हैं। 18,300 का तो टारगेट मैं आराम से मान के चल रहा हूँ, बट ये 18,500 भी जा चुका है, 18,500 इट्स अ वेरी गुड। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें गैप गैप अब देखने को मिला इस लेवल पे, इसके अलावा दोबारा एक गैप अप देखने को मिल रहा है इस लेवल पे, ठीक है, एंड दोबारा एक गैप अप। तो अभी मार्केट ना गैप अप ऊपर खोल रही है और ऊपर ही कंटिन्यू कर रही है या फिर पूरे टाइम साइडवेज ले रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रेट एक गैप अप खोला, ऊपर गया, दोबारा गैप अप खोला, बहुत टाइम साइडवेज रहा, एंड में ऊपर गया। आज भी सेम सिनेरियो हुआ, ये गैप अप खोला, उसके बाद पूरे टाइम ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया बट दोबारा नीचे आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि अभी गैप अप खुल रहा है और एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, तो हमें अभी स्ट्रिक्टली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी भी गैप अप खुले ना, तो उस गैप अप पे आप लोगों को आधा घंटा वेट करना है। आधा घंटे की कैंडल जो भी बनती है ना, 15 मिनट की 2 कैंडल, उसका टॉप और बॉटम ले लो, उस पर्टिकुलर टॉप से जो भी पास वाली स्ट्राइक प्राइस है और उसके बॉटम से जो भी स्ट्राइक पास वाली स्ट्राइक प्राइस है,
उसका कॉल और पुट आप शॉर्ट करके चल सकते हो, उस रेंज के अंदर मेजरली क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत काम करके चल सकते हो, बट बेसिकली अभी निफ्टी के अंदर कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हम लोगों को चार्ट्स पे देखने को मिल रही है, बिकॉज ज्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है इसके अंदर। बैंक निफ्टी अगर मैं चेक करूँ आपके हो गए सामने, तो बैंक निफ्टी भी आप क्लियरली देख सकते हैं, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पूरे टाइम रेंज के अंदर काम करता था। ये 15 मिनट की कैंडल है और ये 15 मिनट टोटल आधे घंटे की कैंडल है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, पूरे टाइम इसी के रेंज के अंदर मार्केट काम करती रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी रेंज बाउंड है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं, बट ब्रेकआउट तभी आए आराम आराम से। अगर गैप अप भी इसके ऊपर खुलता है तो हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा कि 15 मिनट की कैंडल क्या कर रही है और उससे दोबारा रेंज बाउंड तो नहीं बन सकता, ठीक है। अब एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं और स्टडी करते हैं कि मार्केट का ऊपर खुलने के ज्यादा चांसेस हैं या नीचे खुलने के ज्यादा चांसेस हैं और एफआईआई क्या कर रहे हैं। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन कर चुका हूं एंड हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हमें देखने को मिल रही है दैट इज 18,500 के अंदर, सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग है 18,400 एंड कॉन्सिक्यूटिवली 100 पॉइंट्स नीचे है, ठीक है। तो बेस बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉल राइटर्स की, तो हाईएस्ट कॉल राइटर 18,500 पे ही है और 18,600 पे है, यानी कि अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो पुट राइटिंग है उसका 50% कॉल राइटर्स भी वहां पर एक्टिव है। अब क्या होगा अगर बाय चांस जो करंट प्राइस है वो 18,477 रुपीस का है, अगर कल गैप अप खुल जाती है मार्केट और 500 के ऊपर निकल जाती है तो डेफिनेटली ये जो कॉल राइटर्स हैं ये लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे जिन्होंने 18,500 पे बना रखी है, एंड वो लोग 18,600-700 पे शिफ्ट करेंगे। तो यानी कि 18,500 से 600-650 तक की ही रेंज कल की मार्केट दिखा सकती है। अदरवाइज अगर कल गैप डाउन होना स्टार्ट होता है या हल्के हल्के नीचे आना स्टार्ट होता है तो ये जो पुट राइटर्स हैं वो लोग अपनी पोजीशन को और पीछे लेकर जाएंगे और कॉल राइटर्स जो इस लेवल पे बने हुए हैं वो लोग आगे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे और मार्केट नीचे जा सकती है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो कॉल और पुट चेंज दोनों सिमिलर है, तो मार्केट अभी साइडवेज है, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट पुट राइटिंग है 39,500 पे, करंट प्राइस है 39,680 रुपीस का, तो जो पुट का सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 200 रुपए नीचे है। हाई सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग है 39,600 पे और आप देख सकते हैं ये आप 39,500 से लेके 40,000 ये जो 500 रुपए का ये जो रेंज है ना यहाँ पे कॉल और पुट की बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रही है। तो यानी कि ये वाली जो एक्सपायरी जो लग रही है अभी जिस ओपन इंटरेस्ट को देखकर लग रही है कि 39,500 से 40,000 के बीच में ही एक्सपायरी देखने को मिल सकती है या कल की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। बट ये पूरा सिनेरियो बता रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है। अगर आप देखेंगे कॉल और पुट चेंज दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कॉल भी एग्जैक्टली सेम है और पुट राइटर्स भी एग्जैक्टली सेम है, तो जो भी जीतेगा अगर गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से पुट राइटर ज्यादा एक्सीड करना स्टार्ट करेंगे और उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, बट दोबारा मुझे लग रहा है कॉल राइटर्स अपना कंट्रोल को रिगेन कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने आज देखा था, ओके। एक बार एफआईआई का डाटा देखें तो उन लोगों ने कॉल बाय कर रखी है 1.35 लाख क्वांटिटीज एंड पुट 1.7, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने 506 करोड़ की एफआईआई ने इंडेक्स के अंदर सेलिंग कर रखी है, तो यस पुट उन लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा बाय करा हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो लोग थोड़ा सा बियरिश है, ठीक है, बहुत स्लाइटली बियरिश है, बट इस पर्टिकुलर एफआईआई का डाटा को देखकर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला। दूसरी चीज एफआईआई ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ की बाइंग करी है स्टॉक्स पे, बट उसी के मुकाबले डीआई ने 1700 करोड़ की सेलिंग करी है। अब अगर डीआई 1700 करोड़ की देखिए बहुत टाइम से सेलिंग कर रहा है, एक डेढ़ हफ्ता से सेलिंग कर रहा है स्टॉक्स पे, बट मार्केट गैप अप खोल रहा है, ठीक है, और एफआईआई बाय कर रहे हैं और उसकी वजह से भी मार्केट गैप अप खोल रहा है। यहाँ देख पा रहे इन्होंने 12th of October को शॉर्ट करा था कैश और यहाँ पर लोगों ने बाय करा था, तो मार्केट गैप अप खुल रही है, तो मेरे हिसाब से मार्केट साइडवेज है। कल स्टॉक्स पे ही ट्रेड करो, इंडेक्स पे ट्रेड मत करो, जो बताया गया उसी पे ट्रेड करो। सो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक लास्ट चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, अगर वो पसंद आती है तो मुझे बता देना, मैं वो भी आपको क्लिक करने के लिए तैयार हूँ। देखिए जैसा कि मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था वो 3 मिनट वाली जो मैं वीडियो आपके सामने बनाता हूँ, तो मुझे एक चीज बताओ, मैं दोनों वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूं, वो जो 3 मिनट वाली वीडियो जिसपे मैं सिर्फ स्टॉक्स के नाम बताऊं और थोड़ा बहुत मार्केट का ओवरव्यू दे दूं, और ये वाली एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो बनाऊं 15 से 20 मिनट वाली जिसपे मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूं कि वो मैंने स्टॉक्स क्यों दी है, तो क्या मैं ये दोनों वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं, क्या यही वाली वीडियो मेरे लिए कंफर्टेबल आप लोगों के लिए?
तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और उसके बेसिस पे मैं अपने चेंजेस करते रहूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।